नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं, आज हम एक नए डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। स्कंद माता धाम मझगवा रीवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये काफ़ी खूबसूरत डेस्टिनेशन है, लेकिन दोस्तों ये जगह काफ़ी दुर्गम जगह है, इसलिए यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यदि आप आ गए तो पूरा जन्नत है। तो अब हम आपको यहाँ के बारे में पूरी जानकारी देंगे, बस आप वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, और दिखाते हैं आपको और यहाँ के बारे में आपको हम बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे इस तरह से पानी बारहों मास गिरता रहता है, कभी ये पानी नहीं सूखता है। और ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये टैंक नुमा बना दिया गया है जिसमें कि ये पहाड़ का स्वच्छ पानी गिर रहा है और लोग इसी पानी को पीते हैं और खाना बनाने के लिए भी इसी को यूज करते हैं। और यदि आप नहाना चाहते हैं तो आप यहाँ बैठ के नहा भी सकते हैं, और यदि आप बाल्टी से नहाना चाहते हैं तो यहाँ से पानी दे के और आप नहा सकते हैं। ये यहाँ पे ये देखिए, पाइप से यहाँ पे पानी जाने के लिए बनाया गया है, और जिस जगह से आप यहाँ पे लोग बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लेते हैं। यदि आप अपने खाने पीने का सामान लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको बर्तन मिल जाएगा खाना बनाने के लिए, तो आपको ये एक्स्ट्रा सामान ढोने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये देखिए, काफ़ी लोग यहाँ पे अपना खाने पीने का सामान बना रहे हैं और प्रकृति की खूबसूरत वादियों का लुफ्त उठा रहे हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, अभी आपको हम मंदिर परिसर में चल के दिखाते हैं। ये देखिए, दोस्तों ये देखिए माता का धाम है। ये यहाँ पे इस तरह से बनाया गया है, ये माँ की चुंदरी यहाँ पे लगाई गई है और ये माँ की मूर्ति यहाँ पे है। माता यहीं पे अपने स्वरूप में विराजमान है, ये आप देख सकते हैं। माँ का धाम इन पहाड़ों की गुफाओं में बना हुआ है। दोस्तों बस इतना डाले हैं, दोस्तों यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि गुफा भी है, और ये देखिए गुफा में जाने का मार्ग है। दोस्तों ये गुफा काफ़ी लंबी है और काफ़ी अंदर तक दिखाई दे रही है, बहुत ही गहरा और सकरा गुफा है ये। ये आप देखिए, गजब। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब कि यहाँ पे क्या सुविधा दिया जाए कि जिससे लोग आसानी से आ जाएं यहाँ पे? बढ़िया सीढ़ी लग जाए, रोड बन जाए, लाइट व्यवस्था हो जाए, हाँ, और मंदिर भी बढ़िया हो जाए, धार्मिक स्थल अच्छा है। हाँ, धार्मिक स्थल भी है, साथ में पर्यटन स्थल भी हो गया है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे ये आप देख रहे हैं झरने का पानी गिर रहा है और इतना ठंडा पानी है कि इस बरसात के मौसम में ठंडक का एहसास हो गया। तो दोस्तों काफी खूबसूरत जगह है ये, लेकिन हो गया। तो दोस्तों स्कंद माता मंदिर आज हम लोग घूमे हैं और अब यहाँ से जा रहे हैं। जाने का रास्ता भी इतना ही दुर्गम है, अभी 3-4 किलोमीटर की जो ट्रैकिंग करके आए थे अब उस रास्ते से नहीं जा रहे हैं, अब एक दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, वो भी खतरनाक ही है, लेकिन वो थोड़ा सा आसान होगा, पहाड़ ये चढ़ना पड़ेगा, फिर हम लोग ऊपर प्लेन मैदान में पहुँच जाएंगे। तो प्लेन मैदान पर चलना ज़्यादा आसान होगा, ये ऊबड़ खाबड़ पत्थर से वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये यहाँ पर आप पेड़ देखिए किस तरह से, तो
यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाटरफॉल भी है, रास्ते में भी हम लोग को वो दिख जाएगा। हम लोग के पास समय का अभाव है, नहीं तो उसकी भी ट्रैकिंग करते। खाने पीने के कुछ सामान साथ में लाए नहीं थे, कुछ खा के चले नहीं थे, इस वजह से पूरी एनर्जी लॉस हो चुकी है। और हमारे फ्रेंड हैं साथ में, वो एकदम टाइम टाइम फिस हो गए हैं। किसी तो काफ़ी भारी मात्रा में पानी यहाँ पे गिरने लगता है बरसात में, तब पर भी रिस्क होगा। यदि आप आए, बारिश नहीं हो रही है, उसके बाद बारिश हो गई, तो फिर जाना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा। तो आप सोच समझ के आए, खतरनाक जगह है। और अपने साथ महिलाओं और बच्चों को लाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। यदि आप आ रहे हैं तो आप अकेले ही आइए। के पठार की खूबसूरती, यहाँ से विंध्याचल की पहाड़ियाँ कितनी खूबसूरत दिख रही हैं। ये चढ़ना है, लोहे की सीढ़ी ऊपर लगी होगी। दोस्तों, जब मूसलाधार बारिश होती है तो चारों तरफ सैकड़ों झरने गिरने लगते हैं, और ये पूरी पहाड़ियाँ अपने सौंदर्य के चरम पे पहुँच जाती हैं। इतनी शांति है, इतना ठंडा है यहाँ पे कि मैं बता नहीं सकता। कितना बढ़िया, कितना सुकून मिल रहा है। ओफ, मज़ा आ गया वाकई में, इतना मनोरम जगह है। दोस्तों, झरने का पानी इतना ठंडा था कि एकदम बिल्कुल लग रहा था कि ठंडी का महीना हो, दिसंबर हो, उस तरह से ठंडा लग रहा था। ये देखिए, चढ़ने का रास्ता ये है। और हमारे भाई साहब, ये हम लोग को दुर्गम ट्रैकिंग करनी है, लेकिन डोंट वरी, मैं तो एक्सपर्ट हूँ इसमें, कर लूँगा। मुझे तो ऐसे ही रास्ते पसंद हैं कि मुझे वो बात है कि बता नहीं सकता। यहाँ से अगर गया ना तो गया। ए भाई, पकड़े रहो पीछे से, खतरनाक। अब सीकर पकड़ के चढ़ना होगा। ओह, काई लगा है देख के, बहुत खतरनाक ट्रैकिंग है ये। ओ माय गॉड, अब चलो। अब ये देखिए, इस तरह से चढ़ना है। किन लोगों ने ये बनाया है इतना दिमाग से कि यहाँ से हम आ सकते हैं। बाप रे, लो भाई। दोस्तों, हम लोग फाइनली ऊपर आ चुके हैं, और ये देखिए कितना सुंदर यहाँ से विहंगम दृश्य है इस पहाड़ी का। कितना सुंदर व्यू है। फाइनली यहीं से देखिए, यहाँ पे लोग अपनी बाइक खड़ी किए हैं, और ये झंडा लगा है, ये निशान है कि यहाँ से आप लोग को नीचे उतरना है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा खतरनाक है ये आने के लिए, लेकिन वाकई में बहुत आसान है। काफ़ी जल्दी ऊपर आ गए, नहीं तो कितना जाना पड़ता नहीं बता सकते। और अभी हम वाटरफॉल के पास चलेंगे, वाटरफॉल को आपको ऊपर से दिखा देंगे। और नेक्स्ट दोस्तों, आखिरकार हम झरने के पास आ ही चुके हैं। झरने का जो मुख्य कगार है उस पे आ चुके हैं, और झरना यहीं से सैकड़ों फीट नीचे गिरता है। ये देखिए कितना सुंदर, यार क्या हवा लग रहा है यहाँ पे। ओह हो, जन्नत है जन्नत। वाकई में एक बार जब बारिश होगी तो मैं यहाँ पे जरूर आऊंगा। ये देखिए यहाँ से सीन। दोस्तों, ये ऊंचाई देखिए, जब इतनी ऊंचाई से ये पानी नीचे गिरता होगा तो कितना भयंकर सीन होता होगा। मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा यहाँ पे लग रहा है। इतना ठंडा हवा चल रहा है कि इतना तो मुझे एसी में भी कभी नहीं फील हुआ।